the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. किसी भी देश की कमान उसके मुखिया यानी उसके प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। देश का अच्छा बुरा, देश का भविष्य सब प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। एक अच्छा प्रधानमंत्री अपने देश को बुलंदियों की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसके लिए उसके पास विजन होना जरूरी है। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री का विजन भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनाना है, ठीक वैसे ही आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री का विजन देश को आधुनिक भारत बनाना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो वैसे तो राजनीति में आने वाला हर शख्स देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, लेकिन ये सपना महज कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है। बात करें हमारे देश भारत की, तो अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद पिछले 77 सालों के इतिहास में अब तक सिर्फ 14 शख्सियतों को ये मौका मिला है। हिंदुस्तान से अलग होकर जब पाकिस्तान बना था, तो उस तरफ प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे मोहम्मद अली जिन्ना, और वही पाकिस्तान के कायदे आजम बने। मगर भारत में क्योंकि लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस संघर्ष में कई क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तो कई सियासतदानों ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए लड़ते लड़ते गुजार दी। उन्हीं के बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत में हर हिंदुस्तानी ने आजादी की सांस ली थी। इतिहासकारों की माने तो आजादी की तारीख से साल भर पहले यह साफ हो गया था कि भारत की गुलामी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। साल 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था, तो ये भी तय था कि कांग्रेस के अध्यक्ष ही भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे। 1940 में बने रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 साल तक मौलाना अबुल कलाम ही कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी जी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को एक पत्र लिखकर कहा कि वो एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। उस वक्त कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य जेबी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 11 दिसंबर 1945 को थी, जिसे आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 किया गया। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थी। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। किसी भी कमेटी ने नेहरू का जिक्र तक नहीं किया। मैंने कमेटी के फैसले के बाद पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। उन्होंने देखा कि इसमें नेहरू का नाम ही नहीं था, तो उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया, क्योंकि आचार्य जेबी कृपलानी लंबे समय तक गांधी जी के साथ काम कर चुके थे। वो गांधी की आंखों से ही समझ जाते थे कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। कृपलानी ने फिर नया प्रस्ताव तैयार करवाया, जिसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सबने दस्तखत किए। सब जानते थे कि गांधी अपने मन से नेहरू को ही अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। लेकिन अब भी मैदान में लौह पुरुष सरदार पटेल थे, और उनके सामने नेहरू का जीत पाना बेहद मुश्किल था। कांग्रेस महासचिव कृपलानी की माने तो गांधी जी की मर्जी से सरदार पटेल की नाम वापसी का एक पत्र तैयार कराया गया। पहले पटेल ने इस पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। एक तरह से पटेल ने नेहरू का विरोध किया था, या ये भी कह सकते हैं कि वो खुद को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे। लिहाजा जब वो पत्र गांधी तक पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने फिर से पटेल के पास पत्र भिजवाया, तो अब पटेल समझ चुके थे कि गांधी जी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अड़ गए हैं। पटेल गांधी जी का विरोध नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पत्र पर दस्तखत कर दिए, और इस तरह जवाहरलाल नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, और आजाद भारत का पहला अंतरिम प्रधानमंत्री देश को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों दिग्गज नेताओं में से गांधी ने नेहरू को ही क्यों चुना। इस सवाल का जवाब उस समय के वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने गांधी जी से अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री को लेकर सरदार पटेल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि नेहरू कभी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। मेरे कैंप में अकेला नेहरू ही अंग्रेज है। वो हर तरह के अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा है, उसे विदेश मामलों की अच्छी समझ है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट लेगा, पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों
देश चलाने वाली बैलगाड़ी के दो बैल होंगे। दुर्गादास अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इस बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने एक बार फिर से ग्लैमरस नेता के लिए अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान कर दिया। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, नेहरू एक विजनरी नेता थे, जब उनके हाथ में देश आया तो सब कुछ नया था, उन्हें ही परिस्थितियों और लोगों के साथ मिलकर देश को गढ़ना था। गांधी जी जानते थे कि वल्लभ भाई पटेल बूढ़े हो चले हैं, देश को नई उम्र का नेता चाहिए था। दरअसल जवाहरलाल नेहरू नई उम्र के होने के साथ साथ अच्छे खासे पढ़े लिखे और मॉडर्न नेता थे। आजादी के बाद हम वो भारत थे जिसके नेताओं को पूरी दुनिया के साथ एक ही चादर पर बैठकर अपने तौर तरीके से आगे बढ़ना था। कुछ साल बाद ही पटेल का निधन भी हो गया। इससे ये साबित होता है कि बापू का फैसला काफी हद तक सही ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को आधी रात को अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। वो 16 साल 286 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे और पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया। आगे बढ़ने से पहले नेहरू की जिंदगी और उनके राजनीतिक सफर पर भी आइए एक नजर डाल लेते हैं। तो पंडित नेहरू का जन्म साल 1889 में यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। साल 1907 में वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने गए। साल 1912 में भारत लौटे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत चुनी। 1916 में उन्होंने कमला कौल से 8 फरवरी के दिन शादी की। साल 1917 में उनकी बेटी इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। साल 1920 में नेहरू असहयोग आंदोलन में शामिल। साल 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और गिरफ्तार हुए। साल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। साल 1946 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष और पीएम पद के लिए चुना गया। साल 1947 में देश आजाद हुआ और नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। साल 1952 में पहले आम चुनाव के बाद मई में नई सरकार बनी और नेहरू पीएम बने। साल 1957 में दूसरी बार हुए आम चुनाव में फिर उनकी सरकार बनी और दूसरी बार पीएम बने। साल 1962 में तीसरी बार हुए चुनाव में भी उनकी ही सरकार बनी और वो तीसरी बार पीएम बने। 1964 में 27 मई के दिन उन्होंने पीएम पद पर रहते हुए ही नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, आजादी के वक्त देश में जो कुछ भी हुआ ये हम सब लगभग जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि कैसे रियासतों के बंटवारे को लेकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, फिर भी उन्हें पीछे करके गांधी जी नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अड़े हुए थे। एक तरह से पूरी कमेटी के खिलाफ जाकर उन्होंने नेहरू के हाथ में देश की कमान देनी चाहिए तो उसके पीछे भी जरूर कोई खास वजह रही होगी। तो ऐसा क्या खास था नेहरू, ये समझने के लिए अब हम आपको उनकी जिंदगी और उनके कार्यकाल से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं, जिससे आपको उनकी शख्सियत को समझने में थोड़ी और आसानी होगी। तो बताया जाता है कि जब नेहरू कैम्ब्रिज से वकालत की पढ़ाई कर देश वापस लौटे तब कुछ दिन उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत की, लेकिन फिर ये पेशा छोड़कर गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनके पास कोई इनकम नहीं थी, पिता मोतीलाल नेहरू हर महीने उन्हें पैसे भेजा करते। इसी दौरान पिता पुत्र में यानी दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया, तब नेहरू के सामने जेब खर्च का संकट खड़ा हो गया। उस वक्त गांधी जी ने नेहरू को एक खत लिखा और कहा, मैं जानता हूं तुम इन चीजों का बहादुरी से मुकाबला करोगे, अभी तो पिताजी चिढ़े हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ने का जरा भी मौका दें, संभव हो तो उनसे बात करो। गांधी आगे लिखते हैं, क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपए का बंदोबस्त करूं, तुम कुछ कमाई का काम हाथ में ले लो, समाचार पत्रों के संवाददाता बनोगे या अध्यापिकी करोगे। तो इससे पता चलता है कि गांधी जी को नेहरू की कितनी चिंता थी। इसी तरह से ब्रिटेन के पीएम सर विंस्टन चर्चिल और नेहरू की मुलाकात के बारे में सुभाष कश्यप अपनी किताब में लिखते हैं, ये वो दौर था जब देश आजाद हो चुका था और नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल नेहरू के आलोचक थे, आलोचक क्या एक तरह से दुश्मन थे। 1950 में दोनों पहली बार मिले थे और दिल खोल कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। चर्चिल ने गुलामी की याद कराते हुए नेहरू से पूछा, तो कितने दिन ब्रिटिश जेलों में सड़ते रहे, नेहरू ने कहा 10 साल तक। चर्चिल ने कहा, तब तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए खूब कड़वाहट होनी चाहिए, तुम्हें दिल से हमसे नफरत करनी चाहिए। नेहरू बोले, कोई बात नहीं, हमें हमारे लीडर ने दो चीजें सिखाई, कभी किसी से नफरत मत करो और कभी किसी से डरो मत, यानी गांधी जी ने ये दो चीजें सिखाई। आपको भी पता है कि हम ना आपसे डरते हैं, हाँ नफरत तो कतई नहीं करते। तो अब आपको नेहरू कार्यकाल के दौरान हुए भारत चीन युद्ध का वो किस्सा भी बताते हैं जिसमें मिली हार के बाद नेहरू बीमार रहने लगे थे। तो 20 नवंबर 1962 की वो काली तारीख थी जब प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के साथ युद्ध में भारत की हार स्वीकार कर ली थी। युद्ध शुरू होने से पहले तक उन्हें भरोसा था कि चीन उनका दोस्त है,
जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी में सर्वपल्ली गोपाल कृष्णन लिखते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और नेहरू के फैसलों पर सवाल उठाए। एक के बाद एक सरकार और कांग्रेस नेता दबी जुबान में चीन युद्ध के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते थे। नेहरू गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए करीब एक साल कश्मीर में रहना पड़ा। वो साल भर में भले ही शारीरिक रूप से ठीक हो गए हों, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुके थे। नेहरू मई 1964 को दिल्ली लौटे। 27 मई को जब बाथरूम से लौटे तो पीठ दर्द की शिकायत की, तुरंत डॉक्टर्स बुलाए गए। इतने में वो बेहोश हो चुके थे। 27 मई 1964 की दोपहर 2 बजे बेहोशी की हालत में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो चुका था। तो कई बार हमने बुजुर्गों को आपस में बातचीत करते सुना है, कभी कभी कुछ लोगों को अपनी मौत की आहट सुनाई दे जाती है। शायद कुछ ऐसा ही पंडित नेहरू के साथ भी हुआ। शायद यही वजह थी कि मरने से पहले ही उन्होंने अपनी वसीयत लिख दी थी। उन्होंने साफ लिख दिया था कि कोई कर्मकांड यानी तैरवी वगैरह ना की जाए। उन्होंने लिखा था, मैं पूरी गंभीरता से यह ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान ना किया जाए। इस तरह के अनुष्ठान में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार हो। अगर मैं विदेश में मरूँ तो वही मेरा दाह संस्कार किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद लाई जाए, इनमें से मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित की जाए, बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान में ले जाकर वहां से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां हमारे किसान मेहनत करते हैं। तो ऐसे थे आधुनिक भारत के निर्माता और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।